Good morning, students. I hope you all are doing great. In today's video, we will do chapter 7, that is the adjective from your English grammar book. As you know that we have completed this chapter, the explanation part is done. So today we will discuss the exercises which are given at the back of the chapter. So now let's start our class. All of you please get ready with your grammar book and open page number 36, chapter 7, the adjective. Now what is an adjective? An adjective is a describing word. It tells us about a noun or pronoun used in a sentence. That means जो adjective होते हैं वो ऐसे word होते हैं जो describe करते हैं noun या pronoun के बारे में जो sentence में use हुए हैं. So the words that describes noun are called adjective. Okay, they tell us what kind of, how much, how many, what color, what size, etc. persons, animal, places and things are. That means जो adjective होते हैं वो हमें बताते हैं जो noun या pronoun जो sentence में use हुए हैं उनका रूप कैसा है. Okay, वो किस तरह के हैं, कितनी क्वांटिटी है उनकी, कितना अमाउंट है. सो ये सारी चीज़ें आपको एडजेक्टिव बताते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. सो द फर्स्ट काइंड इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ व्हाट इज दिस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? क्वालिटी मीन्स किस तरह का. ओके, किस तरह का है नाउन, किस तरह का प्रोनाउन है. सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दे विल ऑलवेज आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ. ओके, जब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट काइंड ऑफ, सो जो आंसर आपको मिलेगा वो आपका एडजेक्टिव होगा. व्हाट काइंड ऑफ मीन्स किस तरह का है, आपका जो नाउन आपने यूज किया सेंटेंस में वो किस तरह का, उसका रूप कैसा है. ओके, एग्जाम्पल श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. श्याम इज एन ऑनेस्ट बॉय. व्हाट काइंड ऑफ बॉय श्याम इज, किस तरह का बॉय है श्याम. श्याम इज ऑनेस्ट. सो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. सेकेंड, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक. सो जो ओल्ड मैन है वो किस तरह का है, ओल्ड है. ओके, क्या क्वालिटी है उसकी, ओल्ड है. सो ओल्ड आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. दैट मीन्स जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे वो हमेशा आपको बताएंगे कि जो नाउन या प्रोनाउन है सेंटेंस वो किस तरह के हैं. Now the second is adjective of quantity. Adjective of quantity, the words that describe the quantity or how much of a noun is available. That means adjective of quantity, वो हमेशा आपको describe करेंगे quantity के बारे में. Okay, how much? How much means कितना है. But यहाँ पर आपको exact figure नहीं समझ में, exact figure का means आपको ये नहीं समझ में, आप count नहीं कर सकते हो यहाँ पर. बस आपको ये idea मिलेगा कि हाँ कुछ amount use हुआ है. Okay, exact figure आपको नहीं समझ में आएगा बिकॉज ये आपका एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. क्वांटिटी मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि कितना यूज़ हुआ है, कितनी की बात हम कर रहे हैं. बट एग्जैक्ट जो फिगर है वो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आती. फॉर एग्जांपल जैसे सम, सम मीन्स कुछ है, सम है. इनफ, लिटिल, थोड़ा. नो, बिल्कुल नहीं. मैनी, हाफ, ऑल. सो ये सारे आपके एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं. नाउ द थर्ड इज एग्जेक्टिव्स ऑफ नंबर. Adjectives of number, the words that describe how many or in what number of noun is available, it indicates the order or position of a noun. That means जो adjectives of number होते हैं ये हमेशा answer करेंगे how many. How many means कितने हैं. Okay, so the words can be like 1, 2, 20, 30. Okay, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 8th. So ये सारे आपके adjectives of नंबर है. एग्जेक्टिव्स ऑफ नंबर में आपको हमेशा अमाउंट समझ में आएगा, एग्जैक्ट नंबर समझ में आएगा. एंड जो एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नंबर होते हैं वो हमेशा ऑर्डर बताएंगे कि आपका नाउन कहाँ पे है, उसका क्या ऑर्डर है सेंटेंस में. एग्जाम्पल देयर आर मैनी पीपल स्टैंडिंग देयर. देयर आर मैनी पीपल, बहुत ढेर सारे लोग. सो मैनी इज एन एग्जेक्टिव ऑफ नंबर. फ्यू स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस. फ्यू स्नेक्स वो पॉइजनस नहीं होते हैं. ओके, नाउ द थर्ड इज
I ate 7 apples yesterday. 7, 7 is your adjective of number. January is the first month of the year. First is adjective of number. Adjective of numbers में हमेशा ऐसे number भी आएंगे जो आपको exact number समझ में आए, जैसे first, 1, 2, 3, 4. So ये आपको समझ में 1 की बात हो रही है, 2 की बात हो रही है, या फिर ऐसे भी यहाँ words होते हैं, use होते हैं, जैसे 0, 7, several, all, few, many, some. So ये सारे भी आपके adjective of number में आते हैं. Now the next is demonstrative adjective. Demonstrative adjectives, the words that point out towards a particular noun are called demonstrative adjective. That means demonstrative adjectives ये ऐसे adjective होते हैं जो indicate करते हैं. Okay, so they will always answer which. Which means कौन सा, जो इंडिकेट करे. सो दैट इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो पॉइंट करे किसी स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक थिंग को. सो दैट इज़ योर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. एग्जांपल, दैट बॉय वॉन द रेस. सो आप इंडिकेट करो दैट बॉय, वो बॉय है जिसने रेस को जीता. नाउ दोस मैंगोज आर स्वीट. So you are indicating that those mangoes, जो आप देख रहे हो सामने, those mangoes are sweet. So you are indicating to specific person or things. So that is your demonstrative adjective. Now the next is interrogative adjective. So interrogative adjective, they will always ask a question. Okay, ये हमेशा questions पूछेंगे. Ask questions and describes a noun. जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड दे डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन. एग्जांपल्स जैसे वर, व्हाट, विच, हुज. सो ये सारे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं. विच बुक डज ही वांट, विच बुक. ओके, सो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड यू आर ऑल्सो एडिंग अ क्वेश्चन मार्क. हुज पेन इज दिस. सो दिस इज योर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. Now the third is possessive adjective. Possessive adjective, the words that show possession or belonging of the noun in a sentence are called possessive adjectives. That means ऐसे adjective जो ownership बताएं, अपना अधिकार बताएं. Okay, so वो आपके possessive adjective होते हैं. Example, her bag is black in color. Her bag. So her is a possessive adjective. Her, his, our, your. सो ये आपके प्रोसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं. ये इंडिकेट करते हैं कि किसके बारे में हम बात करें, वो किसका है, किसका अधिकार है उस पर. दिस इज माई टॉय. हुज टॉय इज दिस? माई टॉय इज दिस, माई. सो माई इज एन प्रोसेसिव एडजेक्टिव. व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? सो योर इज एन प्रोसेसिव एडजेक्टिव. नाउ द सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. Words like each, every, either and neither are distributive adjective. They refer to a number of a groups as individual. So demonstrative adjectives ke words hai each, every, either and neither. Ye aapke demonstrative adjectives hote hain. And they refer to member of a group. And ye refer karte hain member of group mein jo individual mein use hote hain. Now coming to the exercise 1, in this exercise we have to underline the adjectives in the following sentences and then you have to write its kind. That means aapko sentences padhne hain and then aapko find karna hai wahan pe adjective kaun sa hai and then you have to just identify which kind of adjective is this. Okay, so the first sentence is Rahim won first prize in race. First prize. फर्स्ट प्राइस क्या इंडिकेट कर रहा है? नंबर. ओके, सो इट इज योर एडजेक्टिव ऑफ नंबर. नाउ द सेकेंड इज माई अंकल लिव्स इन ह्यूज हाउस. माई अंकल लिव इन अ ह्यूज हाउस. कैसे हाउस में? ह्यूज हाउस में. सो किस तरह का हाउस है? ह्यूज हाउस है. व्हाट काइंड ऑफ? सो व्हाट काइंड ऑफ हम क्वेश्चन पूछते थे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाउ देर इज नो टी लेफ्ट इन द केटल. There is no tea left in the kettle. So no is your adjective of quantity. That means it is answering how much. That means no. No tea. So no is an adjective. The red kite is flying in the sky. What is the kind of kite is? It is of red color. So red. Red is adjective of quality. Kis tarah ka hai kite? Red color ka hai. Which place will you visit this vacation? Question mark, it is interrogative adjective. Which is an interrogative adjective.
these papers are very important. So you are indicating to papers that these papers are very important. So it is demonstrating adjective. A tall man is standing under the tree. It is adjective of quality. I have not met him for several days. So several represent adjective of number. All men must register their names. So all is an adjective of quantity. Take good care of your health. Adjective of quality. Good. These are ripe mangoes. So these you are indicating. So it is your demonstrating adjectives. Now the next point is December is the last month of the year. So it is adjective of number. Last is adjective of number. The beautiful girl sang a melodious song. So it is adjective of quality. Okay, beautiful. Kis tarah ki ladki hai? Beautiful. Delhi is a large city. Large. Kis tarah ka city hai? Large city hai. So large is an adjective. Adjective of quality. Give me some rice to eat. Adjective of number. Now coming to the next exercise. In this you have to supply suitable adjectives to the following sentences. So sentences are given and blanks are also given. So in that blanks you have to add adjectives. So the first sentence is there were many people at the trade fair. Okay, because there were hai. So aap dhere saare logo ke baare mein baat kar rahe ho. Sakshi won the first prize in the singing competition. Suresh is the cleverest player of our team. Suddenly, a violent storm burst out in the sea. Give me a suitable advice. Mathematics teacher has given a difficult question to solve. Which book were you talking about? I have no cash left in my wallet. Voice man gave a good advice. Do not make silly mistakes while answering questions. Good men are liked by everyone. Cruel king killed many animals while hunting. Ripe mangoes are sweet to taste. Whose papers and bags are these? I will sing a melodious song. So like this you have to fill in the adjectives. Now coming to the next exercise, that is exercise 6. Exercise 6 is given on page number 44. In this exercise, you have to fill in the blanks using the adjectives given in the bracket in the appropriate degree of comparison. So, yahan pe aapko comparison karna hai. So, we have learned about the degrees of comparison. Adjective mein 3 degrees of comparison hote hain. First degree is the positive degree. Positive degree mein aap kisi ko compare nahi karte ho. Second is comparative degree. Comparative degrees में you use to compare the two things. Okay, दो चीज़ों को आप compare करते हो. That means two similar things को आप compare करते हैं. And in superlative, so superlative is the highest degree of comparison. ये सबसे highest degree of comparison होता है. And यहाँ पे जो comparison होता है वो between more than two similar चीज़ों से होती है. Means दो से ज़्यादा. Okay. कंपेरेटिव में दो लोगों में चेंज कंपैरिजन होती है. दो चीज़ों में कंपैरिजन होगी. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं एंड सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन टू से कंपैरिजन होती है. नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस. सुहानी इज द डैश गर्ल इन द क्लास. सो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है इंटेलिजेंट. सो इंटेलिजेंट को आपको चेंज करना है. आप उसे कंपेरेटिव में चेंज करिए या सुपरलेटिव में चेंज करिए. सो व्हाट विल कम हियर. सुहानी इज द डैश गर्ल इन द क्लास. सो द करेक्ट सेंटेंस इज सुहानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. बिकॉज सेंटेंस आप जब देखेंगे देन आप नोटिस करोगे सुहानी इज द ऐड है. ओके, जब भी द ऐड होगा देन आपको सुपरलेटिव में चेंज करना है क्योंकि आपकी हाईएस्ट डिग्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपैरिजन को. सो सुहानी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. सो ये सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है इसलिए आपने यहाँ पे मोस्ट किया है. अगर कंपैरेटिव होता सो मोर आता, मोर इंटेलिजेंट. बट सुपरलेटिव है सो मोस्ट इंटेलिजेंट. दैट मीन्स जो सुहानी है वो सबसे इंटेलिजेंट गर्ल है क्लास में. शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास.
एंड द है, द हम हमेशा सुपरलेटिव में करते हैं. कंपरेटिव में अगर यहाँ देन होता देन हम कंपरेटिव करते. नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, आई हैव एन ओल्ड सिस्टर. आई हैव एन ओल्ड सिस्टर, यहाँ कोई कंपेरिजन नहीं है, सो इट इज़ योर पॉजिटिव डिग्री. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, द मैन वॉज टॉलर देन माई फादर. ब्रैकेट में टॉल है, सो टॉल विल चेंज टू टॉलर. टॉलर इट्स योर कंपेरेटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री का कंपेरिजन है. टॉलेस्ट, टॉलेस्ट सुपरलेटिव होता है, बट हम यहाँ कंपेयर कर रहे हैं मैन को फादर से. ओके, सो यहाँ टॉलर दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, सो ये कंपेरेटिव डिग्री है. सो दैट इज़ वाई हियर टॉलर विल कम. एंड यहाँ पे देन भी लिखा है, देन अगर होगा देन आप कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. द होगा देन दैट मीन्स दैट इज सुपरलेटिव डिग्री. ओके, आपको इतना ध्यान रखना है कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ओके, जो आपके डेफिनेट आर्टिकल है द, द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, समीर इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास. सुपरलेटिव डिग्री. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, पोस्ट ऑफिस इज फादर फ्रॉम माई हाउस. सेवेंथ, साक्षी वॉइस इज डैश देन माइन, मोर मेलोडियस देन माई, देन है कंपेरेटिव. टीचर गेव अ मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टू सॉल्व, सो इट इज़ योर सुपरलेटिव. पूजा गेव द ईजिएस्ट क्वेश्चन इन एग्जाम, ईजिएस्ट. ओके, सो इट इज़ योर सुपरलेटिव. अभय इज ओल्डन देन आयुष्मान, इट इज़ योर कंपेरेटिव. आप कंपेयर कर रहे हो अभय एंड आयुष्मान को, सो कंपेरिजन है. देन भी है सेंटेंस में, सो इट इज़ ओल्डर. आई कैन नॉट वॉक मोर देन दिस. शांभवी इज द लीस्ट स्कोरर इन द क्लास, लीस्ट. ओके, जो लेस था वो आपका हुआ लीस्ट में. सो यहाँ पे आप सुपरलेटिव डिग्री कर रहे हैं. लिटिल है, लिटिल आपका पॉजिटिव डिग्री में है. लेस होगा आपका कंपेरेटिव में, एंड सुपरलेटिव में लीस्ट हो जाएगा. हरी डिड बेटर देन श्याम, कंपेरेटिव. नाउ फोर्थ इज मयंक इज द मोस्ट हैंडसम बॉय ऑफ कॉलेज. 15, लेपर्ड्स आर लार्जर देन कैट्स इन साइज. सो आप कंपेयर कर रहे हो लेपर्ड्स को कैट से, सो यू आर कंपेयरिंग. एंड सेंटेंस में भी देन है, देन है दैट मीन्स कंपेरिजन है. सो यू विल डू लार्जर, लार्जर विल कम हियर. अगर सुपरलेटिव होता देन लार्जेस्ट विल कम. ओके, now we have completed the exercises. All the exercises you have to write in your FAIR grammar copy. Thank you students, have a nice day.